Next topic, homogeneous differential equation with constant coefficients. अभी तक हम second order homogeneous differential equation की बात कर रहे थे, जिसमें d2y by dx square plus px dy by dx plus 2x bar equal to 0 हुआ करता था. लिखते थे हम p of x and q of x are functions of x alone और they may be constant. अब हम purely कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं. तो जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ इक्वेशन डिस्कस हो रही है, तो डायरेक्ट एंड ऑर्डर डिस्कस किया जा सकता है. अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट n फॉर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a1 n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a2 n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ y अप टू an y इक्वल टू 0. अब इसको nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होने चाहिए. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है, क्यूबिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी, तो n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होनी चाहिए. ये गारंटी हो रही है क्या? कैसे चेक करेंगे? a1 a2 a3 नेचुरल नंबर an का, तो n टर्म्स मिल जाएंगे और एक वाली a0 तो टोटल टर्म हो गई n प्लस 1. मतलब इक्वेशन बराबर लिखी गई है. तो इस a0 a a1 a2 a3 आर ऑल कांस्टेंट्स एंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. अब हर बार ये इस तरह की इक्वेशन लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा जाता है. इन डिफरेंशियल ऑपरेटर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज a नॉट d पावर n y प्लस a1 d पावर n माइनस 1 y अप टू an y इक्वल टू 0, वेयर d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर d एंड ddx इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. d2 इज d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, d2 बाय dx स्क्वायर एंड सो ऑन. d पावर n विल बी d पावर n dx पावर. तो ये नोटेशन के साथ लिखने के बाद सभी से y कॉमन लिया जा सकता है. तो कैन बी रिटन एज a नॉट d पावर n प्लस a1 d पावर n माइनस 1 प्लस a2 d पावर n माइनस 4. तो रियल दिस इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर. तो ऑपरेटिंग ऑन y ऐसा कहेंगे, दिस इज ऑपरेटिंग ऑन y इनटू y नहीं, ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन y. अब हमको डिफरेंशियल ये इसी का फॉर्म है, इक्वेशन 1 का ऑपरेटर फॉर्म है इक्वेशन 2. हमको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है, तो लेट e पावर mx बी अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1. y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y इक्वल टू e पावर mx वेयर n इज सम कांस्टेंट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई करें तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं सर. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव e पावर mx into m, सेकंड डेरिवेटिव हर बार m एक एक के बढ़ते जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव इज m स्क्वायर e पावर m, थर्ड डेरिवेटिव m क्यूब e पावर m, nth डेरिवेटिव m पावर n e पावर m. ये सारे डेरिवेटिव कर देते हैं इक्वेशन. तो इक्वेशन 2 गिव्स, अब सब में पुट करते समय e पावर mx कॉमन है, तो पुट करके e पावर mx कॉमन ले, तो nth डेरिवेटिव में m पावर n आ गया, a नॉट है पहले से, a1 m पावर n माइनस 1 आ गया, a2 m पावर n माइनस 2 m के पावर कम होते जाते, लास्ट टर्म में m का पावर 0 इनटू, अब यहां इनटू है इनटू e पावर mx, अब ये नंबर्स है फंक्शन, तो इनटू m पावर mx e पावर mx इक्वल टू 0. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 होता नहीं, तो इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो बन गया a नॉट m पावर n प्लस a1 m पावर n माइनस 1 an इक्वल टू 0. सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर मेंशन, डिवाइड कर दिया. अब ये हमको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है इन m और विद डिग्री n, यदि a नॉट 0 न हो, वो इफेक्ट इक्वेशन 3 इज कॉल्ड n, इट इज फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये हेल्प करेगी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन व्हिच इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन m ऑफ डिग्री n इफ a नॉट इज नॉट. अब जब ये डिग्री n की इक्वेशन है, तो इसको n रूट्स होने चाहिए,
ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा है रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। अभी हम उनके नेचर की बात नहीं कर रहे, लिख दिया n रूट्स होने चाहिए। अभी n रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कंसीडर कर। केस 1, इफ n रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सारे यदि डिस्टिंक्ट हो तो उनको नाम दे देते, से m1 m2 m3 अप टू mn, तो सब n आए कहां से, e पावर n x सॉल्यूशन बोलकर सपोज किया था उससे, तो m की वैल्यू रखी जा सकती है इसमें, e पावर m1 x विल बी अ सॉल्यूशन, e पावर m2 x विल बी अ सॉल्यूशन, e पावर m3 x विल बी अ सॉल्यूशन, e पावर mn x विल बी अ सॉल्यूशन, तो ऑल दिस विल बी सॉल्यूशन, उनको नाम देते चले जाओ m/1 e पावर m1 x / 2 e पावर m2 अप टू yn e पावर mn x आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। वो फंक्शन को यदि आपने देखा एक साथ, m1 और m2 दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो एक फंक्शन को दूसरे के कॉन्स्टेंट मल्टीपल में नहीं लिख सकते। एक तो ये तरीका हो गया li चेक करने का, या दोनों को डिवाइड किया तो उसका कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y = c1 / 1 + c2 / 2 + up to cn / n, रख दो y1 / 2 y2 की वैल्यू, तो c y c1 e पावर mn x + c2 e पावर m2 x + up to cn e पावर mn x, where c1 c2 c3 आर आर्बिट्ररी अप टू cn आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये तो हो गया, जब रियल और डिस्टिंक्ट है तब सॉल्यूशन इस तरह से मिलेगा। अब यदि मान लो उनमें से कोई दो इक्वल हो जाए तो अब वो केस कंसीडर करते हैं, यदि कोई दो रूट्स इक्वल हो, इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो दो रूट्स यदि इक्वल हो और रियल हो, से m एंड n, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस पार्ट ओनली, ये जो जहां पर इक्वल रूट्स मिले उसके लिए d माइनस m का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। नोटिस d माइनस m, d माइनस m दो रिपीटेड ऑपरेटर रहेंगे तो उससे हमको m m दो रूट्स मिलेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज d माइनस m, d माइनस m ऑपरेटिंग ऑन y। अब थोड़ी देर के लिए ये d माइनस m ऑपरेटिंग ऑन y को हम न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल y v बोलकर रख देते, तो ये v रख दिया तो इक्वेशन बन जाएगी d माइनस m ऑपरेटिंग ऑन v इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, d ऑपरेटिंग ऑन v माइनस mv इक्वल टू 0, dv मतलब dv by dx equal to mv, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, dv by v equal to mdx, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो इंटीग्रेट कर देते हैं, log v is equal to mx plus c, where c is constant of integration, v फाइंड करना है तो log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, e power mx plus c, which can be written as e power mx into e power c, e power c को कुछ नया सिंबल दे देते c1, तो ये हो गया v equal to c1 e power mx, तो v is d minus m operating on y, वो लिख दिया d minus m operating on y equal to c1 e power mx, इसको यदि ठीक किया d operating on y minus m y यानी dy by dx minus m y equal to c1 e power mx, ये देखने से समझ में आ रहा है linear differential equation in y है, तो इसको solve करने के लिए integrating factor find करना होगा, integrating factor is equal to e power integral px dx, p यहाँ पर minus m है, minus m dx, minus m constant dx का इंटीग्रल ऑफ dx dx, तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन c1 e पावर mx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रल को यदि देखें e पावर minus mx e पावर mx e पावर 0 1 बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ c1 बचा, c1 का इंटीग्रेशन c1x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c2 है, यहाँ y के साथ में e पावर माइनस एम एक्स है उसको डिनोमिनेटर में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो बन जाएगा c1 x e पावर mx plus c2 e पावर mx, और e पावर mx कॉमन ले लिया तो एक्सप्रेशन दिखता है c1 x plus c2 e पावर mx। अब ये नोटेशन हमने ऐसे लिया तो ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते समय हम ऐसा बोल सकते कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू x e पावर mx, वेयर A एंड B आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ये तो दो इक्वल रूट्स के लिए हो गया, तीन इक्वल रूट्स हो गए तो इसको जनरलाइज किया जा सकता था। दो इक्वल
सॉल्यूशन आ गया हमारा c1x + c2 e पावर mx, या फिर उसको c1 + c2x e पावर mx बोलते हैं। अब इसी को रिमार्क बोलकर कंटिन्यू कर लेते हैं। यदि तीन रूट्स इक्वल हो, तीन रूट्स रिपीटेड हो ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो उसके लिए जो करस्पोंडिंग सॉल्यूशन होगा वो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए लिखा जाएगा c1 + c2x + c3x स्क्वायर e पावर mx। चार रूट्स यदि इक्वल आ जाए तो पैटर्न को कंटिन्यू करते जाना, c1 + c2x + c3x स्क्वायर + c4x क्यूब e पावर mx एंड सो ऑन। तो इससे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हर टर्म के जो फंक्शंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखेंगे। तो ये केस हो गया रियल एंड इक्वल रूट्स का। अब एक और तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है, यदि रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो जितने भी इक्वेशंस हम कंसीडर कर रहे हैं सब इक्वेशंस विद रियल कोएफिशिएंट्स है, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी विद रियल कोएफिशिएंट्स होगी। तो जब दो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म उसके लिए a dot e लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे r कॉम्प्लेक्स रूट्स हो पेयर में अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, तो ऐसे समय सॉल्यूशन क्या होगा तो वो बात करना चाह रहे हैं। करस्पोंडिंग जनरल सॉल्यूशन इज c1 e पावर पहला पूरा रूट लिख दिया अल्फा प्लस आई बीटा x + c2 e पावर अल्फा माइनस आई बीटा x। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रहने नहीं देते, इसको सिंपलीफाई करते, ब्रैकेट ओपन करो एक्सपोनेंशियल इंडेक्स ऑफ रूट लगा के e पावर अल्फा x * e पावर i बीटा x + c2 e पावर अल्फा x * e पावर माइनस i बीटा x। अब e पावर i बीटा समान दिख रहा है, e पावर i बीटा मतलब cos थीटा + i sin थीटा, आयलर्स आइडेंटिटी है, और e पावर माइनस i थीटा यदि होता तो cos थीटा माइनस i sin थीटा बन जाता, वो अप्लाई कर लेते e पावर अल्फा x दोनों में कॉमन है बाहर कर दिया c1 e पावर i बीटा x को लिखा cos बीटा x + i sin बीटा x, e पावर i माइनस i बीटा x को लिखा cos बीटा x माइनस i sin बीटा x। अब दो cos बीटा x के दो sin बीटा x के उनकी टर्म को कलेक्ट कर तो cos बीटा x के साथ में लिखेगा c1 + c2 और sin बीटा x के साथ में i भी कॉमन है तो c1 - c2 i sin बीटा x। अब ये नंबर है तो इसको कुछ नया नाम दे दिया a, थोड़े को कुछ नया नाम दे दिया भी, तो फॉर्म हो गया जनरल सॉल्यूशन का दो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए e पावर अल्फा x * a cos बीटा x + b sin बीटा x वेयर a इज c1 + c2 एंड b इज c1 - c2 i। हम हमारे लिए वो आर्बिट्री कांस्टेंट बोल के काम करेंगे, कैसे नेचर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब लिखना कैसे इसको, रूट को लिखना कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे यदि मान लो 1 + -2i = √2 कांस्टेंट। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। तो तीन केसेस होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स, तीनों डिस्कस हो गए। अब प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, राइट हैंड साइड 0 है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट में फिट हो रहा है। एक बार आपको इक्वेशन का नेचर समझ में आ जाए तो उसका मेथड फॉलो करेंगे। तो होमोजेनियस इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट इसको देखकर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखना ये ध्यान दो। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट therefore the auxiliary equation is, auxiliary equation लिखने के लिए जो derivative है, derivative जो है वो derivative की जगह m आएगा, तो एक नंबर करते हैं इसको लिखते हैं d2 + 2d + 1 y = 0।
एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन इक्वल टू जीरो एज ऑक्सीजन इक्वेशन डी रिप्लेस बाय एम ऑक्सीजन इक्वेशन। और ये सब बैकग्राउंड में था, अभी हमने जो मेथड देखा ई पावर एम एक्स हमने सोल्यूशन सपोज किया था फिर उसमें सेटिस्फाई किया था और वहां से हमको इस तरह की ऑक्सीजन इक्वेशन मिल रही थी, तो वो और ऑपरेटर वाली इक्वेशन को भी कंपेयर करें तो डी रिप्लेस बाय एम दिख रहा है। आप डायरेक्ट यहां से भी ऑक्सीजन इक्वेशन लिख सकते हैं लेकिन कई बार ये वाई के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिख लो और फिर जो ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन है वो आपको ऑक्सीजन इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका रूट फाइंड करने हैं। इसका रूट इसका मतलब हो गया एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो विच गिव्स एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फाइव। रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन is बोलो y equal to c1 plus c2x e power minus 1x minus 1x मतलब minus answer where c1 and c2 are arbitrary constant। ये लिखना जरूरी है c1 and c2 are arbitrary constant, ये answer होगा। अब यहाँ पर real और distinct root यदि आते हैं मान लो कोई इक्वेशन ऐसी करते जिसमें आपको एक रूट वन और एक रूट माइनस वन मिलता था तो सॉल्यूशन क्या लिखते थे आप c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। देखते हो और कुछ प्रॉब्लम जिसमें रियल रूट आ रहे हो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हो। सेकंड एग्जांपल y double dash minus 9y dash plus 20y equal to 0, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉलेज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो मेंशन कर दो किस तरह की इक्वेशन है। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इन ऑपरेटर फॉर्म इट इज d square minus 9d plus 20 operating on y equal to 0। पहले ऑपरेटर फॉर्म लिख दो और फिर उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ये करेक्ट मेथड होगा लिखने का। तो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m square minus 9m plus 20 equal to 0, this equal to 0 and d replaced by m। अच्छा एक लॉजिक और समझ लो, जनरली d हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां पर इससे पहले जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था e पावर mx कंसीडर किया, कुछ और भी कंसीडर कर सकते थे, y इज इक्वल टू e पावर ax भी कंसीडर कर सकते, चलता था कोई प्रॉब्लम नहीं। m कंसीडर किया, हम m को भी जनरली स्लोप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, m represents slope of a line। तो ऐसा कनेक्शन है मानकर d और m में आप कुछ रिलेशन फिट कर सकते हैं, replace d by m, ये केवल समझने की बात है। ठीक है, तो auxiliary equation मिल गई m के टर्म में, तो अब इसके रूट फाइंड करने हैं। तो 1 into 20 के दो पार्ट्स इसका सम माइनस 9 हो 5 होगा 20 तो मिल जाएगा, लेकिन एडिशन माइनस में ये तो दोनों को माइनस लगा देंगे, तो ये दो पार्ट हो गए। तो लिखते समय यदि पूरा सॉल्व करें तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 4m प्लस 20 इक्वल टू 0, इसमें से m कॉमन m माइनस 5, इसमें से माइनस 4 कॉमन m माइनस 5, m माइनस 5 कॉमन m माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस गिव्स m इज इक्वल टू 4 कॉमा 5। अब फर्स्ट ईयर में ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, यदि लिविंग कोएफिशिएंट 1 है और आपके पास ये दो फैक्टर्स है तो इससे रूट्स डायरेक्ट इनके अपोजिट नंबर बोल के लिखे जाएंगे, ये फैक्टर्स के नंबर है तो रूट्स में इनके अपोजिट साइंस आ जाएंगे, 4 5 डायरेक्ट रूट्स लिखे जा सकते हैं। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल
जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा ये बात कब हो रही है, जब कोएफिशिएंट 1 हो तब, यदि कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होगा तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर उनके अपोजिट विल बी द रूट्स। यदि मान लो यहां पर कुछ और होता 1 के अलावा, मान लो 2 होता, तो ये जो नंबर आते थे उनको 2 से डिवाइड करते थे और उनके अपोजिट साइन रूट बोल के लिखते थे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद को खुद फाइंड कर सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y बोलो c1 e पावर 4x + c2 e पावर 5x आंसर, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। y double dash plus 8y, y double dash plus 8y equal to 0, ये given equation है, दिख रही है homogeneous equation है with constant coefficients, this is a homogeneous differential equation with constant coefficients in operator form. It is, बोलो, b2 plus a operating on y equal to 0. Therefore, its auxiliary equation is m square plus 8 equal to 0. अब रूट फाइंड करना है। अब रूट कैसे फाइंड करना है? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना, एम की टर्म है नहीं यहाँ पर, एम की टर्म नहीं है तो एकदम आप फॉर्मूला से सॉल्व कर दो इसको। हम ऐसा ट्राई करते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट, ठीक है, तो इसको स्क्वायर में लिखना है, तो आई स्क्वायर इंटू रूट एट, नहीं आई स्क्वायर का मतलब माइनस का इंटू एट। अब इसको पूरे को स्क्वायर में लिखना है, तो पूरे को स्क्वायर में लिखने के लिए आई रूट एट का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला मेथड से लगा लेना और जो कर रहे हैं ये बराबर आता है ना चेक करना, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस i रूट 8, मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस i 2 रूट 2। अब फॉर्मूला मेथड से देखते हैं, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इक्वल m इज इक्वल टू माइनस b कैन 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a और a c अपॉन ट्वाइस a, क्या हुआ ये 0 प्लस माइनस कितना हुआ, ये हो गया कितना b स्क्वायर माइनस 4 a c बराबर ना अपॉन 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 16 इनटू 2 तो 4 रूट 2 अपॉन 2 मतलब प्लस माइनस 2 रूट 2 माइनस 32। अरे माइनस 32 था तो आई भी आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 32 अंडर रूट माइनस 1 की वजह से आया, तो ये आ गया प्लस माइनस आई 2 रूट 2। तो आइदर सॉल्व बाय दिस मेथड और सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, तो n इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 2 आया। लेकिन देखते समय हम इसको प्लस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में देखते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस i 2 रूट 2, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई 2, तो देयरफॉर the general solution of 1 is y equal to e power 0x c1 cos 2 root 2x plus c2 sin 2 root 2x, that is e power 0 1, so y is equal to c1 cos 2 root 2x plus c2 sin 2 root 2x answer, where c1 and c2
आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो तीनों अलग अलग केस तीन प्रॉब्लम के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक में रियल इक्वल रूट, एक में रियल डिस्टिंक्ट रूट, यहाँ लिखना चाहिए ना रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और फिर उनकी जो मेथड है सॉल्यूशन लिखने की वो अप्लाई की। तो इसके साथ में ये जो आर्टिकल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये कवर होता है। अब जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने रूट्स आते हैं उनके हिसाब से जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ में लिखा जा सकेगा।